हेलो दोस्तों, दिस इज प्रभात कुमार। आप लोगों का स्वागत करता हूँ डिजिटल एजुकेशन वर्ल्ड अकेडमी में। देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में अगर आप बात करते हैं तो पिछले क्लास में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था जो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं उसके बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, और उसका एग्जाम्पल्स भी हमने आप लोगों को दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर रेशनल नंबर में एक सब टॉपिक आप कह सकते हैं कि छोटा सा है, फ्रैक्शंस, या फिर उसी को दूसरा नाम दिया गया है फ्रैक्शनल नंबर्स। इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको हल्का फुल्का ओवरव्यू देती है। देखिए, जो रेशनल नंबर्स थे उसमें आपके दो तरीके के एक्चुअली नंबर्स थे। एक आप कह सकते हो कोई आपके पास इंटीजर हो, या आप कह सकते हो 2/3। तो देखा, इंटीजर वाला हो जाता था, अपन में हम लोग 1 लगा देते थे। लेकिन अगर आप बात करते हो इसका, तो ये वाला क्या कहता है, ये वाला कहता है कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म होते हैं। तो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों टर्म होते हैं उसको स्पेशली एक नाम दिया गया है, जिसका नाम होता है आपका फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल नंबर। इसके भी कई टाइप्स होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, कॉमन, कॉम्प्लेक्स, डेसिमल, सब क्या करते हैं आपके सामने डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल नंबर का डिफिनेशन बता देता हूँ, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली डिफिनेशंस क्या होते हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक्स का आपको पता होना चाहिए एक्चुअली। तो चलिए देखते हैं इसके डिफिनेशंस क्या है। हाँ बेटा, चलिए देखिए डिफिनेशन। डिफिनेशन नंबर 1 आपको क्या कहता है, डिफिनेशन नंबर 1 कहता है कि ए फ्रैक्शन और ए फ्रैक्शनल नंबर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल। इसका कहना यही है कि अगर हमारे पास कोई होल हो, जैसे आप बात करते हो आपके पास एक क्या है, लड्डू रखा हुआ है इस कोरोना काल में। तो देखिए, इस लड्डू को हम लोग क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो टोटल कितना हो गया आपका 4। और इसके अगर किसी एक पार्ट, मान लीजिए आपने एक पार्ट खा गया, तो आपके पास कितना बचा, कितना मतलब आपने खाया 1/4, रेस्ट कितना होगा, बचा कितना, 3/4। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कहते हैं, आधा खा गया, तब तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, 2/4 से, और बचेगा कितना आपका, 2/4, आधा आधा बचेगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा, आ जाएगा। तो इसी तरीके से एक कंडीशन और है कि खा सकता है, तो कितना पार्ट बचेगा और कितना गबत हो जाएगा। बेसिकली जो ये आपको क्वांटिटी मिलती है, ये इसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया गया है, और इसका नामकरण कर दिया गया है। भाई इसको हम या तो फ्रैक्शंस बोलेंगे या तो फ्रैक्शनल। पहले वाले का कहना है, दूसरे वाले का क्या कहना है। देखिए, दूसरे नंबर की अगर आप बात करते हो तो कह रहा है ए नंबर और ए क्वांटिटी दैट डिवाइड्स अनदर नंबर, कह रहा है अनदर क्वांटिटी एंड अनदर नंबर। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं अनदर नंबर से, अनदर क्वांटिटी से, सो हम लोग उस जो पार्ट मिलता है, जो चीज मिलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस या फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्या कहना चाह रहे, इसका भी बात है, मिला जुला कर यही कह रहा कि भाई एक नंबर ले लीजिए 3/4, हाँ 3, इसको लगा दीजिए 4। एक नंबर को, एक क्वांटिटी को अगर दूसरे क्वांटिटी से आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो जो चीज मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इसके फ्रैक्शन है। अच्छा, इसमें हमेशा देखिए ये फ्रैक्शन में दिखा रहा है, तो जो आपका न्यूमरेटर का टर्म है वो आपका क्या है, स्मॉलर है। लेकिन ये डिफिनेशन आपको डिफाइन करके बता रहा है कि भाई एक नंबर क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी, जिसका मतलब आपका न्यूमरेटर क्या हो सकता है, आपकी भाई बड़ा हो सकता है। चलिए यहां पे मैं इससे ले लेता हूँ, 3, 3 से कट जाएगा, फिर आपका बन जाएगा 2/2। एक ही बात है, वही ना, ये भी क्या है, उसी चीज को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूसरे वाले का कहना ये है, कहना ये है, आई होप आपको समझ गया होगा फ्रैक्शंस क्या होते हैं। नामकरण है भाई, इस तरीके का अगर आपको नंबर दीजिएगा तो आप क्या बोलोगे, तो उसको एक अलग पार्ट में लोगों ने बना दिया है, भाई इसको हम लोग फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल नंबर कहेंगे। इसके बाद अगर आप बात करते हैं, तो जो आपको इसका पार्ट बताना है वो हमारा है टाइप्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस या फ्रैक्शनल नंबर्स। चलिए उसको भी क्या करते हैं, देख लेते हैं।
इससे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन या फ्रैक्शन जो नंबर होता है उसके डिफिनेशन को कवर किए थे। अब हम लोग उसके टाइप्स को देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स क्या क्या होते हैं, देखिए पहले नंबर की बात करते हो तो आपका जो आता है वो आता है कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या कहता है, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज नॉट 10। अगर हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर 10 नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो 2/7, 5/2, 9/11। Here you can see as the denominator of actually all the examples are not to be equal to 10, right? So you can say these type of actually fractions are known as common fraction or is consist in the common fractions type. Next one we have as decimal fraction. Decimal fraction state as fractions whose denominator is 10 or any power of 10. हमारे पास कोई अगर एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, या तो 10 हो या तो 10 का पावर हो, उस तरीके के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा लोग, उस तरीके के फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल 2/10, 7/10 स्क्वायर, 5/10 क्यूब। हियर यू कैन सी एज ऑल द डिनोमिनेटर इन ऑल द एग्जांपल्स एज आइदर 10 और 10 स्क्वायर और मोर पावर ऑफ 10। सो दीस फ्रैक्शंस बिलोंग्स टू बी इन डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शंस की अगर आप बात करते हो तो देखिए डेसिमल फ्रैक्शंस आपका क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपके दो तरीके के होते हैं बेटा लोग, एक रिपीटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, एक आपका नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होता है। ये अभी आगे में हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो बार वाले नंबर्स होते हैं तो घबराने वाली बात नहीं, सब क्वेश्चन सॉल्व होगा, चिंता मत करिए, एकदम खुश रहिए, मिजाज में रहिए। अगला हम लोग के पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर का मतलब होता है कोई आदमी जब एकदम प्रॉपरली चलता है, आप क्लास स्कूल जाते हो तो एकदम प्रॉपर होकर चलते हो, तो उसी वे में आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका कहना क्या होता है, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर कोई आपके पास ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है ज्यादा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका प्रॉपर फ्रैक्शन बोलो। दूसरा वाला आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन बड़ा होता है किससे 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 डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब तो क्या यहाँ पर हमने क्या किया है, छोटा सा क्लू बनाया है कैसे ऐसे। देखो ये मान लो हमारे दादाजी हैं, ये ठीक है, थप्पड़ थप्पड़ ताने हुए हैं, ठीक है। दादा क्रॉस डिनोमिनेटर, दिस डी फॉर डिनोमिनेटर, यहां पर हमारी दादी और क्या है, और ये सब पता नहीं क्या क्या वो सारी चीजें हैं, ठीक है। नानी फॉर दादी जी, नहीं फिर नानी जी, नानी फॉर न्यूमरेटर, ठीक है। देखो है तो ऑब्वियस you all know the behavior actually man strictly they follow the any rules you know and that actually followed to anyone wahi dusre ko followed bhi karwate hain so yahan pe agar aap dada ji ki baat karte hain is a man denominator dada dekho jab dada ji ki baat chalegi to dada ji ko kya rakhna padega aapko greater rakhna padega theek hai us case mein aapka denominator kya hoga greater hoga yani koi aadmi proper hai gar gaya hai ekdam प्रॉपर वे में, तब दादाजी कहे होंगे तब है ना, इसी वजह से डिनोमिनेटर की बात चलेगी। इम्प्रॉपर वे में घर में बच्चा लोग या फिर आप सुने होंगे कि मामा जी के यहाँ जब लोग जाते हैं, भांजा लोग जो होते हैं तो वहां पर बिगड़ जाते हैं, क्यों बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर नानी होती है, नानी हाई चाहे नानी हो चाहे पैसा दे हाई ले हो ले, तो ऑल दैट हैपनिंग विद नानी एंड भांजा। अब देखिए अगर आप भांजा भांजी है, देखिए अब बात करते हो यहाँ पर कुछ नानी से ही आपका है, नानी फॉर न्यूमरेटर, ठीक है, इम्प्रॉपर नंबर, तो यहाँ पर नानी की कमांड चलती है लेकिन फिर भी बच्चा क्या होते हैं, इम्प्रॉपर वे में रहते हैं, ठीक है। तो नानी की कमांड चलेगी मतलब न्यूमरेटर को आपको ज्यादा रखना पड़ेगा,
न्यूमरेटर सब में क्या है, ग्रेटर, ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन इसके आगे में है, इसको उतार लीजिए तब बताएंगे। लेकिन एक छोटी सी बात आपको मैं बता, ये सारा चीज जब तक आपने फ्रैक्शन को देखा होगा, आपने जरूर आपके दिमाग में एक बात आई होगी, क्या कि सर आपने कहीं पर माइनस टर्म इन्वॉल्व नहीं किया, कुछ इस तरीके से, ये सब चीज है। तो देखिए बेटा, आपको इसके डिफिनेशन, फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल नंबर के डिफिनेशन में हैव टू होल्ड व्हाट, इट्स अ पार्ट ऑफ होल। कहीं पर किसी पार्ट का, होल का पार्ट होता है तो उसी चीज जो मिलता है उसको कुछ नाम देते हैं ना, जैसे बच्चा बॉर्न होता है तो उसको नाम देते हैं, उसी तरह जो बॉर्न हुआ उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल नंबर। तो यहां पर पार्ट माइनस ही चला जाएगा, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं, तो माइनस में चला जाएगा। इस वजह से इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो आपके फ्रैक्शन नहीं। आप कहेंगे सर वो सब किसमें इन्वॉल्व होते हैं, निगेटिव वाले, वो सब देखिए बेटा आप क्या जाते हैं, रेशनल नंबर्स में, क्लियर है, रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन और कंपाउंड फ्रैक्शन, तब तक आप इसको क्या कर लीजिए नोट, क्या घबराने वाली बात नहीं, करिए नोट डाउन करिए। हाँ बेटा, चलिए अगला टाइप देखिए, कह रहा है मिक्स फ्रैक्शन, अगला टाइप है मिक्स फ्रैक्शन की अगर आप बात करते हो तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, कह रहा है कि ए फ्रैक्शन कंसिस्टिंग ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है, इंटीग्रल इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट इज नोन एज मिक्स फ्रैक्शन। मतलब जैसे आपके पास क्या होता है बेटे, एक ये फ्रैक्शन और इसके साथ एक छोटा सा आगे में क्या लगा रहता है, इंटीजर लगा रहता है, इंटीग्रल लगा रहता है। सो इस तरीके के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए अगर आप बात करते हो तो जो इसको पढ़ने का तरीका होता है, फाइव होल सम टू बाई थ्री, वो आपका क्या होता है, एक अलग तरीका भी होता है, वो आपका होता है फाइव मिक्स्ड विथ टू बाई थ्री। इसको इस पढ़ने का फाइव होल सम टू बाई थ्री भी पढ़ते हैं और फाइव मिक्स्ड विथ टू बाई थ्री भी पढ़ते हैं, तो इसमें कोई दो मत आपके पास नहीं होना चाहिए, कितना लोग को पढ़ने ही नहीं आता है। अगला देखिए आपका है कंपाउंड फ्रैक्शन, अगर आप बात करते हो कंपाउंड फ्रैक्शन का तो क्या होता है कंपाउंड फ्रैक्शन, इसको भी देख लीजिए, कह रहा है हूज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देमसेल्व्स आर फ्रैक्शन, कह रहा है ऐसा अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर ऊपर का पार्ट और जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नीचे का पार्ट दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। तो देखिए आपके सामने जो न्यूमरेटर है वो भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर वो भी फ्रैक्शन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन। यहां पर एक छोटी सी बात इन्होंने यह बताई है कि जो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। पहले इम्प्रॉपर का मतलब समझाते हैं, इम्प्रॉपर जैसे आपका था, तो कोई इम्प्रॉपरली कब रहता है, जब आपके नानी की बात चलती है, औरतों की बात चलती है, तो वहां पर मतलब किसका कमांड रहेगा, नानी का कमांड रहेगा, मतलब न्यूमरेटर ज्यादा, तो सेवन बाई जैसे आपका टू है, ठीक है। जो आपके इम्प्रॉपर है इन्हीं को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, कैसे ये देखिएगा, जैसे दो से इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, थ्री टाइम्स जाता है सिक्स और अपॉन में क्या जाता है, और इसी को हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन, यहां पर आपका रिमाइंडर और यहां पर आपका डिवाइजर, ठीक है, थ्री होलसम वन बाई टू और फाइव थ्री मिक्स विथ वन बाई टू, इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये बात रही आपके फ्रैक्शंस की, ठीक है, और या फ्रैक्शनल नंबर उसके टाइप्स के और जो भी ऑल है। अगला जो प्रॉपर्टीज हमको पढ़ाना है, टाइप टॉपिक पढ़ाना है, दैट इज योर एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो चलिए इस वीडियो के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। जब हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए ना, प्लीज कर दीजिए ना।